नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3D पढ़ाने जा रहे हैं। 3D में है हमारी वज्रगोलन विधि। इस वज्रगोलन विधि के द्वारा हमें रैखिक समीकरणों को हल करना है। जैसे कि हमारा पहला रैखिक समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। इसका फार्मूला है x बटे b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 और a1 a2 और b1 b2। इनका ये गुणा करेंगे तो x बटे b1 c2 - b2 c1 y बटे c1 a2 - c2 a1 और 1 बटे a1 b2 और यहाँ पर आ जाएगा -a2 b1। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें फार्मूले के आधार पर ही वज्रगोलन विधि से समीकरण को हल करना है। जैसे कि पहला नंबर है, सवाल दिया गया कि 2x - y + 4 = 0 और x + y - 1 = 0। जैसे यहाँ पर ये दो समीकरण दे रखे थे रैखिक समीकरण, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समीकरण दे रखे हैं। पहले इसे हम मान निकालेंगे, a1 = 2 b1 - 1 और c1 = 4, a2 = 1 b2 = 1 और c2 = -1। ये हम पहले मान रख लेंगे, फिर इसके बाद हम फार्मूले में मान रखेंगे x बटे b1 b2 यानी कि -1 1 4 और -1 = y बटे 4 और -1 2 और 1। फिर इसके बाद है 1 बटे 2 1 और -1 और 1। अब जैसे आपके पास फार्मूला था कि b1 b2 c1 c2, हमने लिख लिया b1 b2 c1 c2, फिर इसके बाद c1 c2 a1 a2, फिर इसके बाद है a1 a2 और b1 b2 के रूप में लिख लिया। फिर इनका हम त्रिज्या गुणा करेंगे, इनका त्रिज्या गुणा कर देंगे जिस तरीके से हम चिन्ह लगा रहे हैं उसी आधार पर आपको गुणा करना है। x बटे यहाँ पर -1 हो जाएगा, माइनस क्योंकि फार्मूले में माइनस आ रहा है, 4 * 4 y = 4 * 4 और -2 और माइनस पहले से तो -1 + 2 हो जाएगा बराबर 1/2 और माइनस करें तो -1 + 1 आ जाएगा। तो x - 3 = y - 6 = 1/3। एक बार इनको इनको ले लेंगे, x - 3 = 1/3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, x = -1। फिर इसके बाद y - 6 = 1/3, 3 * 3 = 6, त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो y = 2। तो x - 1 और y = 2। इस प्रकार से हमें वज्रगोलन विधि के द्वारा इन समीकरणों को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। इस फार्मूले को विशेष ध्यान रखना है और जैसे कि समीकरण लिखा हुआ है इस प्रकार से हमें समीकरणों को लिखना है। इसका सवाल नंबर दूसरा है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। पहले हम पूरे समीकरण को एक तरफ रख देंगे, 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। यानी कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में लिख दिया। यहाँ पर सबसे पहले इनके हम गुणांक निकाल लेंगे, a1 = 2 b1 = 1 और c1 = -5, a2 = 3 b2 = 2 और c2 = -3। अब इसके बाद हम फार्मूले में सेट करेंगे इनको, तो सबसे पहले x = b1 b2 c1 और c2, इसके बाद y = c1 c2 और a1 a2, इसके बाद आ जाएगा 1/2 और 3 यानी कि a1 a2 और b1 b2। इनका त्रिज्या गुणा कर लेंगे पहले सवाल की तरह, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत सिंपल तरीका है।
यहाँ पर एक्स बटे, बस थोड़ा थोड़ा पे ध्यान रखना है, माइनस के 8 और यहाँ पर माइनस के 10 हो रहे हैं और माइनस माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। दूसरी संख्या अगर ऋणात्मक आती है तो धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक आती है तो ऋणात्मक हो जाएगी। विशेष तरह ध्यान रखना है दूसरी संख्या पर, वाई बटे माइनस के 15 और यहाँ माइनस के 16 हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। इस बार 1 बटे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो एक्स बटे 2 वाई बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो एक्स बटे 2 बराबर 1 बटे 1 क्रिया गुणा कर लेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 2, फिर वाई बटे 1 बराबर 1 बटे 1 इसका भी क्रिया गुणा कर देंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 1। एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1, अगर हमें जांच भी करनी है तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 4 और 1 हो गया 5, इस पर 3 दूनी 6, 2 एक 2 6 और 2 8 हो गए। तो यहाँ पर मान भी हमारे सही आ रहे हैं, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। फिर हमारे पास सवाल नंबर तीसरा है, 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0, जो कि हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखा है, इनकी तुलना कर लेंगे। तो a1 बराबर 4, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 7। फार्मूले में सेट करेंगे इनको, b1 b2 5 और 1 2 और 7, फिर इसके बाद y बटे 2 7 4 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 4 3 5 और 1, यानी कि b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 और b1 b2 के रूप में हम रख लेंगे, इनका हम क्रिया गुणा करेंगे। क्रिया गुणा तो x बटे 65 और माइनस 2 एकम 2, वाई बटे 3 दूनी 6, 7 चौको 28। थोड़ा सा जैसे हम क्रम चल रहे हैं इसी क्रम पर, जैसे पहले ये क्रम पर ये क्रम पर ये क्रम पर ये क्रम, मतलब क्रम आपको ध्यान रखना है, 1 बटे 4 एकम 4 और 5 दूनी 15। तो x बटे यहाँ पर बचा हमारा 33, y बटे 28 में से 6 आएंगे माइनस के 22 और 1 बटे यहाँ पर बचेगा माइनस के 11। तो x बटे 33 बराबर 1 बटे माइनस के 11, 11 कम 11 11 के 33, क्रिया गुणा कर लेंगे x बराबर आ जाएगा माइनस 3 और y बटे माइनस के 22 और 1 बटे माइनस के 11, माइनस माइनस कैंसिल कर लिया, 11 कम 11 11 दूनी 22, क्रिया गुणा कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2। तो x बराबर माइनस 3, माइनस 3 का गुणा करोगे 3 चौको 12 हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 में से 12 घटाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, 2 को अगर उत्तर ले जाएंगे तो माइनस के 2 दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस 3 और y बराबर 2। सवाल नंबर चौथा है, 8x प्लस 4 5y बराबर 9, 9 को इस तरफ लाना है तो माइनस के 9 हो जाएंगे। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले इनकी गुणांक निकालें, a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर माइनस के 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस के 4। एक्स बटे b1 b2 यानी 5 और 2, c1 c2 माइनस के 9 और माइनस के 4, वाई बटे माइनस के 9 और माइनस के 4, 8 और 3 a1 a2 और 1 बटे 8 और 3 5 और 2, इनका हम क्रिया गुणा कर लेंगे। क्रिया गुणा तो यहाँ पर x बटे 5 चौको 20 माइनस के 20 और ये माइनस के 18 है तो माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा,
गुणा करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस एक दो, वाई बटे पाँच बराबर एक बटे एक, त्रिज्या को गुणा भी कर देंगे वाई बराबर पाँच, तो एक्स बराबर माइनस दो और वाई बराबर पाँच। इनकी जांच भी कर सकते हैं, एक्स की जगह पे माइनस दो तो माइनस आठ दो सोलह, और यहाँ पर हो जाएगा पचम पच्चीस, पच्चीस में से सोलह चले आएंगे तो आपके नौ बचेंगे। ये हमारी जांच भी होती आ रही है। इसका सवाल नंबर है पांचवा, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई और पी को इसके लाएंगे तो प्लस के पी बराबर जीरो, और इसके बाद है ए एक्स माइनस सी वाई माइनस पी बराबर जीरो। तो यहाँ पर ए वन बराबर ए, बी वन बराबर बी और सी वन बराबर पी, ए टू बराबर ए, बी टू बराबर माइनस सी और सी टू बराबर माइनस ए। इनको हम फार्मूले में सेट करेंगे, एक्स बटे बी माइनस सी पी और माइनस क्यू बराबर वाई बटे पी माइनस क्यू ए और ए बराबर आ जाएगा एक बटे ए ए और बी माइनस सी। इसको इनका त्रिज्या गुणा कर लेंगे, तो एक्स बटे माइनस बी क्यू और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी सी बराबर वाई बटे ए पी और माइनस माइनस प्लस ए पी बराबर एक बटे माइनस के ए सी और माइनस के ए पी। तो इस तरीके से हमने इनके मान रख लिए। मान रखने के बाद अब हम एक्स बटे माइनस बी क्यू प्लस पी सी बराबर एक बटे माइनस ए सी माइनस ए बी, इनका हम त्रिज्या गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का गुणांक हो जाएगा माइनस के ए सी माइनस के ए बी बराबर हो जाएगा माइनस के बी क्यू और प्लस के पी सी, तो एक्स बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो बी क्यू या अभी ई ले रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के बी क्यू और प्लस के पी सी बटे माइनस के ए सी और माइनस के ए बी, तो एक्स बराबर इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो बी क्यू प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पी सी बटे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए सी प्लस ए बी, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, यहाँ पर एक्स बराबर आ गया बी क्यू माइनस पी सी बटे ए सी प्लस ए बी। इसका वाई का मान रख लेंगे, तो वाई बटे ए पी प्लस ए क्यू बराबर एक बटे माइनस ए सी माइनस ए बी, जैसे इसमें भी ए कॉमन है इसमें भी ए कॉमन है तो वाई बटे ए कॉमन ले लिया, पी प्लस क्यू बराबर एक बटे माइनस का ए कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी। क्रम से रख लेंगे, ए सी ए कैंसिल कर लेंगे, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा जाके, तो वाई और माइनस का है हमारा माइनस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू, तो वाई बराबर पी प्लस क्यू अपॉन माइनस बी प्लस सी। तो ये हमारा y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। इस प्रकार से बजरंग विधि के द्वारा जितने भी सवाल हैं, नौ सवाल हैं, हमने पांच सवाल आपको बताए और भी आगे बता रहे हैं, सभी को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर छठवां सवाल है, तीन एक्स माइनस पाँच वाई माइनस बीस बराबर जीरो और छः एक्स माइनस दस वाई माइनस चालीस बराबर जीरो। तो यहाँ पर आपके पास दोनों समीकरण दे रखे हैं और आप लोग समीकरण भी स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि ए वन अपॉन ए टू यानी कि एक बटे दो हो जाएगा, बी वन अपॉन बी टू एक बटे दो हो जाएगा और सी वन अपॉन सी टू बराबर भी एक बटे दो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू के रूप में है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, रेखा एक रेखा पर स्थित है, लेकिन इसको आप लगा करके देखते हैं पहले। तो ए वन बराबर तीन, बी वन बराबर माइनस पाँच और सी वन बराबर माइनस के बीस।
A2 बराबर 6, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -41। फार्मूला लिखेंगे x बटे -5 -10 -20 -40, y बटे -20 -40 और 3 और 6। और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 3, 6, -5 और -10। सबसे पहले क्या करिए, गुणा कर लेंगे, लिया गुणा तो x बटे यहाँ पर हो जाएगा 40 पंचे 200 और माइनस माइनस प्लस माइनस 200। y बटे यहाँ पर आ जाएगा 120 माइनस की 120 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस की 120। और 1 बटे 10 गए 30 और 5 छक्का 30। तो x बटे 0, y बटे 0 और यहाँ पर आपका 0 है। तो यानी कि समीकरण में तीनों पक्ष बराबर हैं, और जब तीनों पक्ष बराबर हैं यानी कि इसका भाग देंगे तो 0 0 0 आता चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2 के रूप में है। तो यहाँ पर समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि ये आपकी जो रेखा है एक रेखा पर स्थित है, इसकी अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 7, 3x + 7y - 1.13 = 0, 4x + 5y - 1.13 = 0। तो a1 = 0.3, b1 = 0.7 और c1 = 0.13 और a2 = 0.4, b2 = 0.5 और c2 = 0.13। इसके बाद इनको फार्मूले में सेट करेंगे, x बटे यहाँ पर आ जाएगा 0.7, 0.5, 0.13, 0.13 बराबर y बटे 0.13, 0.13 और 0.3 और 0.4। तो इसके बाद 1 बटे 0.3, 0.4 और 0.7 और 0.5 इनका क्रिया गुणा कर लेंगे, क्रिया गुणा कर लिया x बटे 13 से 91 0.0 इस तरीके से लिख लेंगे, माइनस 13 बचे 65 0.065 क्योंकि 3 अंक पर दशमलव मिल गया। फिर इसके बाद आ जाएगा वाई बटे 13 चौक 52 0.052 -13 3 39 0.039 बराबर 1 बटे 35 15 0.15 और 7 चौक 28 0.28। यहाँ पर आ जाएगा x बटे, फिर से एक बार देख सकते हैं इस सवाल में अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो सबसे पहले 0.7 यानी कि जो आपके समीकरण दे रखे हैं उसमें से केवल 2 ही संख्याएं माइनस की हैं। अभी फिलहाल हमने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। 13 से 91 ये माइनस भी हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आपका माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरीके से हम सवाल को थोड़ा सा सही करेंगे। x बटे 91 में 65 घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे 8, 8 में से 6 गए 2, 0.0 ये माइनस के बचे। y बटे माइनस के 0.0 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 बराबर 1 बटे यहाँ पर माइनस के बचे 0.8 में से 5 गए 3 2 में से 1 गया 1। फिर इसके बाद हम मान रखेंगे x बटे -0.0216 बराबर 1 बटे
गई माइनस 0.13। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे और इसके बाद हम इनकी दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे, तो इस तरह हमारी ये जीरो बढ़ जाएगी। तो हो जाएगा एक्स बटे 26 बराबर 1/130। तो एक्स बराबर आ जाएगा 130, एक्स बराबर 26, तो एक्स बराबर 26/130। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर 0.00, दशमलव लगा लेंगे ऊपर जीरो बढ़ जाएंगे, 130 गुणी हो जाएंगे 260। तो यानी कि एक्स बराबर आ गया 0.1। फिर इसी प्रकार से हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, वाई बटे माइनस 0.013 बराबर हो जाएगा 1/0.13। ये भी माइनस में है, माइनस कैंसिल कर देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 130 वाई बराबर 13। तो वाई बराबर 13/130, तो वाई 13/1, तो वाई बराबर 0.00, दशमलव लगाए जीरो बढ़ जाएगी 130 एकदम 130। तो एक्स बराबर आ जाएगा 0.2 और वाई बराबर 0.1। तो इस प्रकार से हमने आपको सात सवाल बताए हैं, आठवां सवाल और नौवां सवाल इसी बजकरण विधि के द्वारा अपने मन से लगाना है और बड़े सिंपल तरीके से आपको लगाना है।